नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एक बहुत बड़ी खबर तरावड़ी कस्बे से आ रही है। इस खबर ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप तो जानते ही हैं कि तरावड़ी करनाल जिले का छोटा सा कस्बा है। तरावड़ी को ऐतिहासिक नगरी भी कहा जाता है और चावल नगरी भी। दरअसल तरावड़ी जैसे छोटे से कस्बे में कई दर्जन बड़े चावल की उद्योग इकाइयां हैं, जहां सबसे अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। लेकिन तरावड़ी स्थित शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता ने जहां तरावड़ी की चावल नगरी का जहां एक तरफ गौरव बढ़ाया है, वहीं उन्होंने पूरे हरियाणा का नाम भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन भी किया है। चावल निर्यात में बेहतर कार्य के लिए शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता ने पहला पुरस्कार हासिल कर यह ख्याति अर्जित की है। तरावड़ी के चावल नगरी को प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद चावल नगरी के दूसरे मिल मालिक भी इसे हर्ष का विषय बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि चावल निर्यात क्षेत्र में शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता पूर्व में एक दैनिक अखबार के पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्हें यह पुरस्कार 26 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुए एक भव्य समारोह में दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन व जहाज मंत्री नितिन गडकरी ने सैकड़ों उद्यमों के सामने सौंपा। तरावड़ी एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन रमेश चंद्र गुप्ता ने निर्यात क्षेत्र में पहला पुरस्कार हासिल कर बड़े बड़े शहरों के चावल व्यापारियों को चौंका दिया है। आपको बता दें कि शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता और उनके सपुत्र अमन गुप्ता इस समय चावल इंडस्ट्री के सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। आप इनके निर्यात का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि इनकी मिल में तैयार होने वाला चावल इतनी बेहतर श्रेणी का है कि गल्फ देशों के साथ साथ पूरे यूरोप में इनके चावल की डिमांड इसलिए अधिक है क्योंकि छोटे से कस्बे तरावड़ी से निर्यात होने वाला चावल गुणवत्ता की श्रेणी में इतना खरा उतरता है कि जिसके चलते गल्फ क्षेत्रों के साथ साथ पूरे यूरोप में रमेश चंद्र गुप्ता चावल उद्योग इकाई में तैयार होने वाला चावल छा रहा है और उनके ब्रांड की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। समाचार एक्सप्रेस ने शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता से न केवल बातचीत की बल्कि उन्हें बधाई भी दी। आइए जानते हैं कि पुरस्कार मिलने के बाद रमेश चंद्र गुप्ता ने समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला से क्या कहा। पहले आप भी सुन लीजिए। हेलो रमेश चंद्र गुप्ता जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी हरीश चावला बोल रहा हूँ समाचार एक्सप्रेस से। हाँ जी बोलिए साहब। सर पहले तो आपको बधाई, आपने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। जी सर, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि छोटे से कस्बे तरावड़ी में आप इतना बेहतर और गुणवत्ता वाला चावल देते हैं जिससे हरियाणा गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा है, तो इस सफलता के पीछे पूरा राज क्या है? इस सफलता के पीछे सिर्फ इसका जो है वो एक क्वालिटी बेस है। जी इसके अलावा सर क्वालिटी बेस में हमारा तो साथ ही है, बल्कि हमारे साथ में जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी हमारे साथ बहुत सहयोग है। जी हम क्वालिटी बेस पे चलें जी तो आज हमें भगवान ने ये हमें इतना बड़ा पुरस्कार दिया है। गुप्ता जी आप कितने वर्षों से आप चावल इंडस्ट्री में, आप एक पत्रकार भी रहे, समाज सेवी भी रहे बहुत बड़े, ये इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना समय लग गया? मैंने ये काम 1969 से शुरू किया था जी, आज 51 साल हो गए इस काम को करते हुए मुझे। जी मैंने अपने जिंदगी के इस काम के अंदर बहुत बार स्ट्रगल किया। जी छोटे काम से जब हम काम करते थे बहुत छोटा था जी, और स्ट्रगल कर करके भगवान ने साथ दिया जी, मेहनत करी, मेहनत का फल भगवान ने दिया तो 50 साल के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हम। जी तो पुरस्कार मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं गुप्ता जी आप? मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपने सौभाग्य हमारे सौभाग्य की बात है जी, इतना बड़ा पुरस्कार मिलना हमारे सौभाग्य की बात है। सर आपने तरावड़ी के साथ साथ पूरे हरियाणा और देश का नाम रोशन किया, चावल में बहुत सारी चावल औद्योगिक इकाइयां हैं, तो आप दूसरे चावल व्यापारियों को या दूसरे मिल मालिकों को अपने शुभ संदेश में क्या कहना चाहेंगे?
हम तो यही कहेंगे कि अपने तरफ अपनी क्वालिटी के ऊपर मेंटेन करो और भगवान सबका साथ देगा। चलो गुप्ता जी, आपको एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आपने सुना कि शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता ने समाचार एक्सप्रेस को क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा कि 50 साल हो गए हैं उन्हें इस क्षेत्र में मेहनत करते हुए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आप खुद सोच लीजिए, यदि वह 50 साल से चावल निर्यात के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हों तो उनकी उम्र का तजुर्बा अब क्या होगा। वैसे तो इतनी उम्र में तरावड़ी के उद्योगपति रमेश गुप्ता ने मेहनत और हौसले का जुनून आज भी नहीं छोड़ा है। शायद यही वजह है कि उनकी मेहनत और हौसले ने आज उन्हें इस मुकाम तक भी पहुंचा दिया है। रमेश चंद्र गुप्ता के बेटे अमन गुप्ता भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चावल निर्यात क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भी अमन गुप्ता अपने अनुभवी पिता रमेश चंद्र गुप्ता से गुणवत्ता की बारीकियां सीख रहे हैं, क्योंकि अमन गुप्ता भी जानते हैं कि ऐसे मुकाम पर जहां उनके पिता ने अथक और कड़ी मेहनत की, इसलिए उन्हें भी बुलंद इरादों के साथ चावल की गुणवत्ता में और भी निखार लाना होगा, ताकि वह अपनी इंडस्ट्री को इससे बड़े मुकाम तक पहुंचा सके। हालांकि शिव शक्ति इंटरग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रमेश चंद्र गुप्ता केवल एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। समाज में उनका ऊंचा नाम है। दूसरों की हर संभव मदद करना उनकी फितरत में शुमार रहता है। वह कभी किसी को निराश नहीं करते। शायद यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सैकड़ों लोगों की दुआएं भी उनके साथ है। रमेश चंद्र गुप्ता ने यह साबित कर दिया है कि यदि आपके हौसले बुलंद है और आपके अंदर गजब का साहस है, साथ ही ईमानदारी का जज्बा भी है, तो उम्र का पड़ाव चाहे कितना भी हो, आपको कामयाबी के दरवाजे पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। देश के दूसरे उद्यमी को भी रमेश चंद्र गुप्ता के साहस और जज्बे से सबक जरूर लेना चाहिए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।